अच्छा कलर करूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने मम्मी कसम खाया। मैंने कुछ किया। 12 बजे तो ब्लॉग कर रहे हैं और धूप का नामो निशान नहीं है। एक्चुअली जिस साइड हम रहते हैं वहाँ पर धूप 12 बजे के बाद ही आती है, शाम में आती है। जब जाने वाली होती तब आती है धूप। खैर एनीवे, व्हाट इज अप क्रेजीज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड सेफ। बाय द वे, कोई अपनी इंट्रो भेज ही नहीं रहा है, अभी ये किसी चीज का वेट कर रहे हैं। और वो क्या चीज है ऐसी, मिट्टू के लिए, एक्चुअली सिर्फ मिट्टू के लिए नहीं है, अपने तीनों के लिए गिफ्ट आए हैं, डब्बू मिट्टू शेरू फ्रॉम डूफी बॉल्स। ये भी डूफी बॉल्स ही है। वेरी स्वीट ऑफ देम फॉर सेंडिंग दिस ट्रीट्स फॉर आवर डॉग्स, एंड थैंक यू कुशाग्र फॉर सेंडिंग इट पर्सनली। अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन नहीं था घर पे, नहीं मिली थी। हाँ, हाँ। रॉटविलर के नाम पे धब्बा क्या बोला था? अच्छा, सॉरी मैं कट नहीं करूंगा। बड़े सही तरीके से खा रहे हैं लोग, बिल्कुल खाएंगे, हेल्दी जो है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स भी नहीं है, तो इनके लिए कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है। ये क्या चीज है बे? चीजी चुई चीज, चुई। ये तुम भी खा सकती हो। यू कैन बाय दीज ट्रीट्स फ्रॉम देयर वेबसाइट जो यहाँ पर आ रहा होगा। और हाँ, इनकी हर पैकेट की अर्निंग में से कुछ हिस्सा चैरिटी में भी जाता है। नाइस, सो गो शॉप फ्रॉम द doofyballs.com। अपने दांत से तोड़ो, चूहे वाले दांत से। हाँ, कुतर दो। दाल, चावल, पापड़, रोटी, पापड़, दाल, पापड़, शिट एंड दाल चावल एंड गुड नाइट का रिफिल पैक, वो फास्ट कार्ड जो होता है ना, वो भी खा रहा हूँ मैं। देखा, आज हम बेड पे नहीं खा रहे हैं। वैसे बाय द वे, बेड पे खाना क्यों अलाउड नहीं है, कुछ रीजन? क्योंकि मैंने कमेंट्स में बहुत पढ़े कि बेड पे नहीं खाना चाहिए एंड ऑल। आप बता सकते हो मम्मी, घर पे ध्यान मत दो, अभी काम चल रहा है। ओए सुंदर सुशील कन्या, गंदे सपने आते हैं? वाह, जैसे कि रोहन की शादी हो गई और वो घर में एक लड़की ले आया, 3-4 लड़का हो। हाँ, गंदे सपने ये कि जैसे कि रोहन की शादी हो गई, वो घर में लड़का ले आया। और लास्टली जो रोहन का सीन आप लोग जो बोल रहे हो, फेक है, इट्स नॉट एक्चुअली फेक। रोहन को क्यों पता नहीं चला वो रोहन खुद बताएगा। क्यों तेरे को फील नहीं हुआ कि तेरे ऊपर कुछ वेट्स एक्चुअली है? मेरे ऊपर वेट आया ही नहीं था जब मैं हिला, तब मेरे को पता चला। तुमने भी तो टेबल के ऊपर से, आप ध्यान से अगर देखोगे तो रोहन के ऊपर वेट था भी नहीं, एक टेबल के ऊपर था एक साइड और दूसरा साइड था साइड में, बट रोहन के ऊपर नहीं था। मैं पागल हो गया, मैं इतना सारा वेट, वो सो रहा हूँ उसके ऊपर रख दूंगा? भाई है, दुश्मन नहीं है यार। भले इसकी हरकत तो दुश्मन वाली है। वो बात अलग है कि रोहन का सपना कुछ ऐसा है कि वो कौन से इनकॉग्निटो मोड वाले सपने देख रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के। उसके इर्द गिर्द इतने सारे हरकतें हो रही थी और उसको पता नहीं चला, उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता। ये भी कचरा है, दोनों कचरा है। नहीं, रोहन ज्यादा बड़ा कचरा है। आपको याद तो होगा, कुछ टाइम पहले रोहित ने मेरे फेवरेट स्लीपर्स के साथ क्या किया, जब मैं उसे इग्नोर कर रही थी, ऑल्दो वो मुझे इग्नोर करने वाला था, कुछ ऐसा सा ही सीन था। हाँ, बदला लेने वाली हूँ, और ये मेरा तरीका है कि जो कुछ महीने पहले हुआ है उसका बदला आज लिया जाए। कहते हैं ना, लड़कियों को तो याद रहते हैं, बदला तब लेना चाहिए जब सामने वाला बंदा बिल्कुल ना के बराबर एक्सपेक्ट करे कि मेरे साथ कुछ हो सकता है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। बाय द वे, ये उसके फेवरेट शूज हैं, स्पेशली रनिंग के लिए यूज करता है, तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ उसी के लिए हुए जो उसने उस टाइम पे स्प्रे पेंट यूज करा था। अरे क्या कर रहे हो भाभी, इससे बढ़िया मेरे को ही दे देते, मल्टी कलर बना दो। इतना अच्छा कलर करूंगी, लोग एडिडास के कलरफुल जूते लेते हैं, हम पूमा के कलरफुल जूते बनाएंगे। खैर आप फाइनल प्रोडक्ट देखो, इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या खराबत करी है। One eternity later. तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। गाइस क्या कहते हैं, मुझे अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहिए? नहीं। वैसे बुरे नहीं लग रहे हैं, मुझे लगता है मैंने शूज को ना पहले से अच्छा कर दिया। तुम्हें कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब तुम भी डालो। भाभी ने भैया के शूज का क्या हाल किया है? क्या करे, प्राउड से कह सकते हो, करे। देखना, मुश्किल से 5-7 मिनट में वो आने वाला होगा, अपने शूज ढूंढेगा क्योंकि उसे वर्कआउट के लिए जाना है। देखो उसका रिएक्शन, एंड उस पे आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। ये दोनों हर टाइम लड़ते रहते हैं। फिलहाल मैंने उसके शूज अपने शू रैक में रख दिया है, ये भी सारा सामान फैला पड़ा है, तो माइंड मत करना, एंजॉय अब जो होने वाला है। A few moments later. जूते का है?
लाइट जला के देखना होता है, ठीक है? यहीं पे पड़े थे, वो देखो वो पड़े। क्या करा तुमने? मैंने नहीं करा, ये तुम्हारे काम है, ये मेरे काम नहीं है। क्या हुआ? मम्मी मम्मी क्या हुआ? देखो मेरे शूज को क्या करिए। मैंने कुछ नहीं करा है। डू यू हैव एनी प्रूफ? डूड मैंने कुछ नहीं करा है। गुस्सा चैलेंज खत्म हो चुका है। अच्छा तो क्या करूं? देखना। तुम्हारी हंसी से पता चला तुमने किया ये। मैंने नहीं करा। कितना अच्छा तुम लग रहा है। आप सब साथ में मिलके निधि हो। कितना सुंदर लग रहा है। ये शूज अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? पहले ये तो ये शूज अच्छे लग रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम जब इसको छोड़ा था तभी ग्रे था। हाँ तो अभी तो बस थोड़ा सा डार्क हो गया, कलरफुल हो गया। अच्छा, तुम्हारा आइडिया होगा? नहीं मेरा आइडिया नहीं चाहिए, ये इसका आइडिया था। मेरा नहीं है, मैं जानता भी नहीं। इसी का। पर कितना अच्छा तो लग रहा है कलर। इसी का। लगता मैं करूंगा ऐसा। हाँ भाभी ने कहा है तो कुछ। इसको कैसे पता? एक मिनट। इसको कैसे पता? जब भाभी ने पुछ किया मैंने देखा ना। छोड़ मेरे भाई को। ये आई निधि सुलझाने के लिए। तू क्या रहा है? समझती है? तू नहीं करा? रुका। मम्मी को पहले कसम खाया मैंने कुछ नहीं किया। दीदी ने किया। मैं आइडिया दे रही थी तब से। बहुत सुंदर लग रहा है, रहने दे ऐसे। यार मम्मी हद कर दी यार, मेरे रनिंग एक ही शूज थे। घर पेंट होगा तो शूज भी पेंट होने चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? घर पेंट पे सारे पैसे क्या करते हैं ऐसे? डैब 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 अब इसको क्या करूं? गले में लटका दो। अपने हाथों से लटकाना, मैं लटकाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी तैसी कर दी यार तुमने शूज की मेरी। इसमें से स्मेल आ रही है पूरा। इसमें सॉफ्ट फोन हार्ड हो चुका है। हार्ड है। अबे साले इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम दोनों की कारनामे है। उसको पुछ याद है तुमने स्प्रे पेंट किया इस पे? अभी कंफर्म करो ये घर में जो पेंट हुआ है वो किया है या फिर स्प्रे पेंट मारा है? तुम्हारी शक्ल पे प्रूफ है सबसे बड़ा। पुछ। कुछ कैसा? ये मैंने किया। अब बताओ क्या करोगे? डिस्को करेगा। डिस्को डांसर। कुछ नहीं कर सकता। यही चीज है। एक्सेप्ट इट। दूसरा चैलेंज खत्म हो चुका है। तुमने मेरी चप्पलें खराब करी थी। चप्पल नहीं करी, जूती करी। कैसी बहु लेकर आई हो मम्मी आप? मम्मी ने लेकर लेवल की लेके आई। मेरी चॉइस नहीं है। ये क्या है? लैपटॉप। फिर से लैपटॉप? मैक। मैकबुक प्रो एयर अल्ट्रा स्मार्ट।
किसी दिन करके भी दे देना उसका बूट्स। अरे ये तो सच में बूट्स हैं। कब ऑर्डर करा तुमने? और साइज ऑर्डर करने में कितने देर लगे? नहीं मतलब मेरे को ओटीपी भी नहीं आया ना। अगली बार इतना खतरनाक ओटीपी आएगा ना गार्ड ढूंढ कर रह जाओगे। हाँ कैसे इधर कब खर्च हुआ? कंफर्टेबल है अब तो तू स्मार्ट भी हो गया भाई। इसको उतारो मुझे वापस रिटर्न करना है। मुझे वापस करना है। आपके साथ प्रैंक हुआ ये रहा कैमरा। वैसे कितने बेवकूफ हो ना उसके अंदर कुछ और भी क्या क्या वारंटी कार्ड गारंटी कार्ड फिर से कौन हैंड रिटर्न अकेले में पढ़ना सब फैमिली है ठीक है ऐसा क्या है भाई। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है बीच में किधर जाता है कभी कभी आता है तुम ना आते तो मेरी जिंदगी में तो क्या ही हो जाता तुम्हें फिर ऐसी बीवी मिलती जिसके साथ तुम मुक्काबाजी ना कर पाते शायद ऐसी मस्ती भरी रोड ट्रिप ना कर पाते WWE ना कर पाते अच्छा होता एम पी अंकिता मिल गए और फिर हमारे रास्ते एक हुए और हम दोनों का सफर और मंजिल एक ही हो चुकी है। लड़ते हुए मुस्कुराते हुए रोते हुए हंसते हुए प्यार करते हुए साथ चल रहा है मलिका और ऐसे साथ चलते हुए हंसी मजाक प्रैंक्स और मस्ती चलती रहेगी तो मलिका झेलो वो तुम डालोगी मेरे को तो आ ही नहीं सकते तो रोन डाल लेगा मैं तो सिर्फ ट्राई कर सकता मैं वर्कआउट करने वाला था अभी ऑर्डर ही गलत है पहले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ कौन सा मोमेंट आपको ज्यादा अच्छा लगा। लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो तो। हंसते रहो हंसाते रहो खुशियां बांटते रहो फिर मिलेंगे चलते चलते। वो एक सेकंड मैं जाने से पहले कुछ सुनाना चाहता हूँ मेरे दिमाग में एक शायरी आई थी। अच्छा मुझे नहीं तो इधर आओ। हस्बैंड गोट अपनी वाइफ गोट से लड़ रहा है या दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो हस्बैंड गोट अपनी वाइफ गोट से क्या बोलेगा? बकरी मैं सोचो रोनी है वो हस्बैंड गोट क्या बकरी है क्या बात तुमने ये शूज डाल लिए? वेस्ट नहीं करते समाज। अच्छा It's still as usable as it is. Okay. So in the end you lose. Oh. You lost.